हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ बबीता विश्वकर्मा। आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आज वैलेंटाइन डे मेकअप लुक लेकर आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा इजी एंड सिंपल है और आप देख सकते हो बहुत ही मैं सिंपल से रेडी हुई हूँ। अगर आप कहीं होटल पर जा रहे हो खाना खाने या घूमने जा रहे हो तो आप इस तरीके से रेडी हो सकते हो। और काफ़ी सिंपल तरीका है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने शेयर किया है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वैलेंटाइन डे मेकअप लुक में कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट लिए हैं और वो ज़्यादा महंगे तो नहीं है ना, और हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में देखने मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे अपने को चेहरे पे सबसे पहला जो है फेस वॉश करना है। बालों को अच्छे से ऊपर कर लेना है एकदम, और फेस वॉश करने के बाद कोई भी कुछ भी क्रीम नहीं लगानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं मामा अर्थ का जो है फेस ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेके और उसको अच्छे से हाथों से मसाज करके, और उसके बाद जो है हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये हमारा पहला स्टेप है फ्रेंड। ये कोई भी लोग भी जो भी है मेकअप करते हैं तो स्टार्टिंग में यही करना ज़रूरी है। और बहुत लोग टोनर यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट अगर आपके पास जो भी चीज़ें आप वो लगा सकते हो तो यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने लगाया सेकेंड प्राइमर। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा प्राइमर लिया है जिससे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा काफ़ी समय तक रहेगा और खूबसूरत भी दिखेगा। तो यहाँ पे अभी प्राइमर लगा के हो गया, ये मेरा दूसरा स्टेप था। तीसरा है यहाँ पे कंसीलर, फाउंडेशन, ये मैं सब साथ में ही लगाऊंगी फ्रेंड। तो जहाँ जहाँ आपको अगर ऐसा लगता है काला है, थोड़े से स्किन से अलग कलर है, तो आप उस तरीके पर लगा सकते हो इसे कंसीलर को। और यहाँ पे मैं जो है फिट यूज़ करूँगी फाउंडेशन, तो भी थोड़ा थोड़ा यूज़ हमें करना है, थोड़ा थोड़ा हमें लगाना है। उसके बाद स्पंज को गिल्ला करके, उसके बाद हमें टैप टैप करके अच्छे से हमें पूरे चेहरे पे इसे लगाना है। इसे लगाने के लिए फ्रेंड ज़्यादा टाइम लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे से अपने चेहरे में लग जाना चाहिए। इसके लिए मैं इधर एकदम सॉफ्ट वाला स्पंज है उसको लेकर और इसको अच्छे से टैप 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 करके अपने पूरे फेस पे और गर्दन पे दोनों पे लगाऊंगी, जिससे कि गर्दन और फेस एक ही जैसा कलर का दिखे। नहीं तो अगर आप फेस पे सिप करते हो और गर्दन को छोड़ देते हो तो बहुत ही अलग दिखता है। तो इसके लिए उसे अच्छे से हमें गर्दन पे भी अप्लाई करना है। तो चलिए अच्छे से हम पूरा टैप टैप करके फाउंडेशन लगा लेते हैं। तो फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट, तो बहुत ही हल्के हाथों से थोड़ा सा कर दूँगी जिससे ये पूरा सेट हो जाए और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लो करे। तो हाँ, सभी की स्किन के अलग अलग फाउंडेशन होते हैं, तो आप लोग अपने स्किन के टाइप से जो है ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो है बहुत ही सस्ते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है फ्रेंड। मैं उसी से ही कर रही हूँ और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेकअप कर रहे हो तो आप इस तरीके से कर रहे हो, या घूमने जा रहे हो वैलेंटाइन डे में, या तो डिनर पे जा रहे हो, तो आप इस तरीके से सिंपल सा मेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है आईब्रो पेंसिल। जी हाँ, तो अभी अपने आईब्रो को अच्छे से फिल करना है। मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, मुझे आईब्रो जो है लाइटली हल्का ही कलर पसंद है। और यहाँ पर अभी अच्छे से लगाने के बाद यहाँ पे मैं सेट कर दूंगी। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरा मेकअप वीडियो कैसा लगता है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार। तो यहाँ पे अभी आईब्रो हो गया, अभी यहाँ पे मैं लगाऊंगी लिप बाम जिससे मेरे होंठ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो उसके बाद मैं हेयर लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपने आँखों का मेकअप करना शुरू करूँगी आई शेडो। तो यहाँ पे मेरा जो ड्रेस का कलर है, मैं उसी कलर का जो है अपने आँखों पे जो है आई शेडो यूज़ करूँगी, मतलब अच्छे से आँखों का मेकअप करूँगी। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता फ्रेंड, जितना आता है उतना शेयर किया आप लोगों के साथ। तो बहुत ही हल्के हाथों से ब्रश से की सहायता से कर रही हूँ, और आप चाहे तो फिंगर की भी सहायता से कर सकते हो। तो बहुत ही मैं हल्का ही कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ आई मेकअप नहीं कर रही हूँ। तो चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं गोल्डन कलर जो है गोल्डन आंखों पे लगा रही हूँ, जिसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला थोड़ा सा मतलब आंखों को अच्छा रखने के लिए, और तो मैंने यहाँ पे अच्छे से चमकी का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर, तो मिरर के बिना तो आईलाइनर लगता नहीं है। तो यहाँ पे एकदम पतला ही आईलाइनर मैं लगाऊंगी, ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊंगी। और उसी आईलाइनर से जो है मैं काजल भी लगा लूंगी, अलग से कोई काजल यूज़ नहीं करूंगी फ्रेंड, बस यही आईलाइनर से अपने आँखों की काजल अच्छे से थोड़ा पतले टाइप में मैं लगा कर ले लूंगी। और आप देख सकते हो अच्छे से लग गया है, दूसरे आंखें पे भी लगा लेती हूँ। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा काजल बहुत ही प्यारा, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा काजल लगाई हूँ, मैं कभी लगाई नहीं थी। तो आप देख सकते हो, आप बताइए कैसे लग रहा है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ हटके लग रहा है, तो मैंने कर लिया। अभी यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी मस्कारा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं फ्रेंड, कुछ 100 रुपीज़ का है, पर बहुत ज़्यादा अच्छा इसका प्रोडक्ट है ये, और बहुत अच्छा टाइम तक रहता भी है ये तो, और इजी भी है, आप लगा सकते हो, आप डेली भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी अच्छे से मैं इसे कर लूँगी, और यहाँ पे मेरा जो है आँखों का मेकअप हो चुका है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैंने पिंक शेड लिया, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरा फेवरेट है, मैंने ले लिया। अब इसे अच्छे से लगा लेंगे। अब इसके बाद अपने गालों को पिंक पिंक करना है, तो वैलेंटाइन डे है फ्रेंड, तो थोड़ा सा तो पिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि आप हस्बैंड के साथ डिनर या घूमने के लिए जा रहे, मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप थोड़े तो पिंक पिंक टाइप के तो दिखने ही चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं अपने गालों को जो है अच्छा सा पिंक करूँगी। उसके बाद हाईलाइटर यूज़ करूँगी, हाईलाइटर जहाँ जहाँ मुझे लगता है मुझे ज़रूरत है, नोज़ पेज, अपने गालों पर, आईब्रोज़ की दर, होठ की दर, तो ये उधर मैं हाईलाइटर यूज़ करूँगी। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ग्लो आ गया है, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रोडक्ट यूज़ किए, बट नहीं, यहाँ पे बहुत ही थोड़े प्रोडक्ट में आप इस तरीके से अच्छा मेकअप कर सकते हो, और आप भी वैलेंटाइन डे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हो, मना रहे हो, अगर अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो, तो ज़रूर ये वीडियो पूरा देखिएगा, और आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेकअप कर रहे हो, तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे अब पिंक तो हो गए हैं गाल, अब यहाँ पे हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर जहाँ जहाँ ऐसा लगता है वहाँ पे हम हाइलाइटर एकदम हल्का ही मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। आप अपने हेयर को बांध भी सकते हो, खुले भी रख सकते हो, और इयररिंग्स वगैरह मैंने चेंज नहीं किए हैं, बट मैं अगर आपको इयररिंग्स वगैरह चेंज करनी है, तो आप अच्छी इयररिंग्स पहनिएगा, या बहुत लोग वैलेंटाइन डे में साड़ी ड्रेस पहनते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो है आप किसी पे भी ये मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।